नमस्कार दोस्तों, व्यक्तित्व का निखार बाहर से नहीं भीतर से होता है, पर आजकल हम सब बाहर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित किए हुए रहते। इसके कारण ही हमारी वैयक्तिक चेतना विकसित नहीं हो पाती और हम वैश्विक चेतना में ही जीते रहते हैं। दोस्तों, सुंदरता भीतर की होती है, बाहर के दिखावे में नहीं है। मैं कुमार अभिषेक आपके सामने लेकर आया हूं सुकरात और आईना। आइए सुनते हैं। धन्यवाद दोस्तों। दार्शनिक सुकरात दिखने में कुरूप थे। वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए देखकर उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर साफ समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया कि शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देख रहा हूँ। नहीं, शिष्य बोला, गुरुजी ने कहा मैं कुरूप हूँ, इसलिए रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने कुरूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को ये बहुत शिक्षाप्रद लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी, इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए ना? ऐसी बात नहीं, सुकरात समझाते हुए बोले, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें, कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक ना ले और परिणामवश उन्हें कुरूप ना बना दे। शिष्य को गुरुजी की बात का रहस्य मालूम हो गया। वह गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। प्रिय मित्रों, कहने का भाव यह है कि सुंदरता मन व भावों से दिखती है। शरीर की सुंदरता तात्कालिक है, जबकि मन और विचारों की सुंदरता की सुगंध दूर दूर तक फैलती है।